वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी प्यारी गणित उपचारात्मक कार्य पुस्तिका कक्षा 6। दिवस है हमारा 21 और टॉपिक है भाग, कार्य पत्रक 1। देखिए यहाँ पे हमें 369 में 3 से भाग करना सिखाया है। पहले इन्होंने पहले अंक में भाग दिया बाएं तरफ से, 3 × 3, फिर नेक्स्ट में इन्होंने 6 उतार लिया, 3 × 6, नेक्स्ट में 9 उतार लिया, 3 × 9, ये हो गया। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहले अंक में ले जाएंगे 4 × 4, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर 4 उतारेंगे, 4 × 4, फिर माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर 8 उतारेंगे, 4 × 8, माइनस करेंगे कुछ नहीं। यहां देखिए 5 एक में जाएगा नहीं, तो हम 2 अंक ले लेंगे, तो 5 × 10, माइनस करेंगे एक बचेगा, 5 उतरेगा, 5 × 3 = 15, आंसर आ गया 23। नेक्स्ट देखिए 682 में 2 से देंगे, तो 2 × 3 = 6, माइनस करेंगे 8 उतारेंगे, 2 × 4 = 8, माइनस करेंगे 2 उतारेंगे, 2 × 1 = 2, क्या आ गया बच्चों 341। नेक्स्ट देखिए 189 में 7 से भाग देंगे, तो 1 में जाएगा नहीं, हम 2 अंक ले लेंगे, 7 × 14, माइनस करेंगे यहां आ जाएगा हमारा 4, 9 उतारेंगे, 7 × 7 = 49, आंसर आ गया 27। 6 से भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 = 18, माइनस करेंगे फिर इस 6 को उतारेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 6, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 31। वर्कशीट 2 देखिए 15 से 320 में भाग देंगे, तो 15 × 30, 2 उतारेंगे, फिर 15 × 15, 5 शेषफल। अब इस तरह से हमें इसमें देना है, तो 84 में देंगे, 8 में तो जाएगा नहीं, तो 12 × 12 = 24, 12 × 36 = 12, 12 × 48 = 12, 12 × 5 = 72, 12 × 7 = 84, देखिए तो 7 बार जाएगा, तो 12 × 7 = 84, माइनस करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे स्थानीय मान को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, कैसे 0 से भाग देंगे स्थानीय मान को बैलेंस करने के लिए, और ये 6 हमारा शेषफल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 70। अब जहां पे हमें ये ध्यान देना होता है बच्चों, स्थानीय मान को हमें बैलेंस करना होता है, कैसे, अब देखिए अगर यहाँ हम 7 लिखते तो 12 × 7 हो जाता, तो 12 × 7 = 84, और प्लस हमें 6 करना पड़ता, तो ये हो जाता 90 ना कि 846। जब हमने इसको 70 कर दिया, तो 12 × 70 यानी हो जाएगा हमारा 840 × 6, तो ये हमारा आएगा 846। नेक्स्ट देखिए बच्चों 16 से 352 में भाग देना है, तो 16 × 16 = 16 × 32, यहां से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 उतारेंगे, फिर 16 × 32, हमारा आंसर आ गया 22। नेक्स्ट बच्चों 27 से हम 432 में भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला एक बार जाएगा 27, माइनस करेंगे 13 में से 7 गया, 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, फिर हम उतारेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 162। अब हम 27 का पहाड़ा ऐसा देखेंगे कि 162 के आसपास आ जाए, तो देखिए 27 × 162, 6 बार ले जाएंगे तो 27 × 162, माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फिर देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो आप इसी को रिपीट कर लीजिए। 31 से हमें 682 में भाग देना है, तो 31 × 2 हमारा हो जाएगा 62, माइनस करेंगे फिर बचेगा 62, तो 31 × 62, तो ये हो गया बच्चों हमारा वर्कशीट 2 सॉल्व। वर्कशीट 3 कह रहा है एक बुक शेल्फ में 10 पुस्तकें रखी जाती हैं, तो 320 पुस्तकों के लिए कितनी बुक शेल्फ की आवश्यकता होगी, तो हमें 320 में 10 से भाग देना, तो देखेंगे 10
यही 30, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20, 10 दूनी 20। कितनी बुक शेल्फ की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? 32 बुक शेल्फ की आवश्यकता पड़ेगी। सोहन के पास 300 कंचे हैं, वह इन कंचों को अपने चार दोस्तों में बांटना चाहता है, तो प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे? तो हम 4 से 300 में भाग दे देंगे, 4 सते 28 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, 0 उतारेंगे, 4 पचे 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों? एक दोस्त को 75 कंचे मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 40 बिस्किट के पैकेटों का दाम 800 रुपए है, तो एक पैकेट का दाम क्या होगा? तो हम 800 में 40 से भाग दे देंगे, ठीक है, 40 दुनी 80 कट जाएगा, ये शून्य यहाँ आएगा, 40 शून्य 0, तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 रुपए एक पैकेट का दाम है। कार्यपत्रक 4 कह रहा है विवेक 2000 के नोट का खुला कराने दुकान पे गया, यदि दुकानदार विवेक को सभी नोट 50 के दे तो विवेक को 50 50 के 40 नोट मिल जाएंगे, कैसे आया? 2000 भागा 50, देखिए यहाँ पे इन्होंने इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, तो 200 भागा 5 यानी 40 नोट। इसी तरह हमें निकालना है यदि दुकानदार विवेक को 100 के नोट दे तो कितने नोट मिलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2000 भागा 100, ध्यान देंगे हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, कितने नोट मिलेंगे? 20। यदि सभी नोट 20 के मिले हो तो अब देखिए कह रहा है कि भागा 20 क्या होगा, तो अब ध्यान देंगे इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, दो से इसको काटेंगे, तो देखिए 2 एकन्ने 2 और ये हो जाएगा 100, यानी आंसर आ जाएगा 100। यदि सभी नोट 10 के मिले तो क्या होगा? तो सेम प्रोसेस, 2000 भागा 10 क्या होगा? इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 200, यानी 200 नोट मिलेंगे। यदि सभी नोट 500 के मिले तो क्या होगा? तो हो जाएगा 2000 भागा 500। देखिए इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे हम, तो 5 एकन्ने 5, 5 चौक 20, तो यानी 4 नोट मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा डे 21 का वर्कबुक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 22 के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।